हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 और एक सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। इसमें कहा गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, मींस यहाँ पे कंडीशन टाइम के डिफरेंस की है, देन पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे एक तो एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है जो तेज चलती है, और एक पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है जो कि स्लो चलती है। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, तो यहां पे 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है मैसूर और बेंगलोर के बीच में, उसके बारे में बात हो रही है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस टाइम लेती है, यानी कि 1 घंटा जो समय है वो कम लेती है। यहां पे विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि बीच के जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में जो स्टेशंस आए हैं उन पे जो वो रुकी है उसका टाइम नहीं काउंट किया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया। तो यहां पे आगे कहा गया है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब ये स्पीड का डिफरेंस आ गया, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो टू ट्रेन्स के बीच की एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बस जो कंडीशन है उसको यूज करना है। तो इसकी सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे एक तो यहां पे आपको बताया गया है कि जो डिस्टेंस है किस किसके बीच में, मैसूर और बेंगलोर, वैसे नाम चेंज हो गया लेकिन चलो जो लिखा हुआ है वो लिख मान लेते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस पे बीच में कुछ स्टेशन है वहां पे जो गाड़ी रुक रही है उसको टाइम को नहीं काउंट करना, हमें जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसके बारे में, या एवरेज स्पीड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे कहा गया है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, तो टाइम का डिफरेंस 1 आवर का है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड मान लेते हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की हम एवरेज स्पीड मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो इससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, 11 ज्यादा तो एक्सप्रेस 11 हो जाएगी इसकी, किलोमीटर पर आवर अब डिस्टेंस तो दोनों के लिए 132 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास 132 किलोमीटर। पहले बच्चों हमारे पास टू कंडीशंस थी, उसमें से एक कंडीशन हमने यूज कर ली 11 किलोमीटर वाली, अब एक टाइम की कंडीशन यूज करनी रहे, तो टाइम टेबल टेकन निकालते दोनों ट्रेन का।
टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, या आप सिंपली लिख सकते हो कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि डिस्टेंस की हमने बात कर ली है तो इतना बड़ा करने की हमें जरूरत भी नहीं है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, इसको हटा भी सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और स्पीड है x, ये पैसेंजर ट्रेन का। इसी तरह से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही है, इसकी स्पीड एक्सप्रेस 11 है। अब जो ट्रेन फास्ट चलेगी वो कम टाइम लेगी, जो स्लो चलेगी वो ज्यादा टाइम लेगी। अब ये टाइम ज्यादा है इससे, तो ये टाइम इससे ज्यादा है और टाइम का डिफरेंस कितने है, 1 आवर लेस। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम समय लेती है, इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 आवर ज्यादा समय लेती है, यानी कि ये टाइम इस टाइम से 1 आवर ज्यादा है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर देते हैं, 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11, तो ये कितना आवर है, 1 आवर का डिफरेंस है। पैसेंजर ट्रेन है 1 आवर ज्यादा टाइम लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस टाइम लेती है, तो सीधी सी बात अगर ये 1 आवर लेस लेती है तो ये 1 आवर ज्यादा लेगी, तो ये टाइम ज्यादा ही कम है, इसमें से माइनस किया तो 1 आवर आ गया। अब यहां से एक्स इंटू एक्स प्लस 11 यहां पे करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 132x, इसकी साथ करेंगे 132x प्लस 132 की 11 के साथ करेंगे तो 132 और एक स्टेप छोड़ के 132 दोबारा से लिख दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 और ये 4 और ये 1, तो 1452। जब 11 से करनी हो तो इसका एक तरीका ये भी होता है, यहां पे आप 2 लिखे सबसे पहले, इन दोनों को प्लस कर दे 5 आ जाएगा, अब इन दोनों को प्लस कर दे 4 आ जाएगा, अब ये अकेला लिख दे 1 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, माइनस इसके साथ करेंगे तो ये 132x दैट इज इक्वल टू 1। यहां से 132x को कैंसिल हो गए, 1452 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x दैट इज 1452, यहां पे पहुंच गए। अब इसको भी हम इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 दैट इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर में तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू माइनस 1452। अब b हम निकाल लेते हैं, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452, तो d इज इक्वल टू ये 121 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की 2 के साथ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 0 2 आ गया, 4 4 जा 16 और 2 18 8 आ गया और 4 और 1 5 आ गया।
अब इनको प्लस करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 8 और 1 9 हो गया, यहां से 2 आ गया और ये 8 और 1 9 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 9 2 9, ये ग्रेटर देन 0 है। सो लिखना चाहोगे लिख सकते हो, छोड़ना चाहोगे छोड़ सकते हो, ताकि हमें नॉलेज हो जाए इसमें से हम लिख लेते हैं। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल दोनों अलग अलग रूट आएंगे। अब रूट निकाल दें, यहां से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a माइनस बी, बी हमारे पास है 11, तो माइनस 11 हो गया, प्लस माइनस रूट ये 5 9 2 9 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 1, तो x आ गया हमारे पास माइनस 11 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हमें चाहिए डिवाइड बाय 2 है। अब देखो हमें 5 9 2 9 इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो दो दो के पेयर बना दिए, अभी हम 1 लिखेंगे तो 1 पे करेंगे, 2 लिखेंगे 2 पे करेंगे, तो 7 7 49, क्योंकि 8 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रह गए और ये हमारे पास हमने 2 9। अब इसका डबल हमारे पास 14 हो जाएगा, 1 पे करेंगे तो बहुत छोटा रहेगा, 2 पे करेंगे तब भी छोटा रहेगा, और 3 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, ज्यादा 7 पे करके देखते हैं, क्योंकि 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 भी आता है हमारे पास, तो 147 की 7 के साथ करें, 9 4 32 से 2 3, हाँ पूरा हो जाता है हमारे पास, तो 1029, ये 0 आ गया हमारे पास 7, यानी 77 आ गया, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 77 आ जाता है, तो यहाँ पे हम 77 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक में तो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2, और एक में x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाय 2, तो यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 77 यानी कि 66 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 33, और यहां गया x माइनस 88 डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनस 44, रिजेक्टेड, नेगेटिव हो गया रिजेक्टिंग, क्योंकि x तो स्पीड है, रिजेक्टिंग बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 33। अब लिखते हैं, सो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दैट इज x 33, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितनी थी, x प्लस 11, यानी कि 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर, तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। तो आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि इनके टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, तो 33 के लिए टाइम निकाल के देख लो एक बार आप, और एक बार आप 33 के लिए निकालोगे और एक बार 44 के लिए आप टाइम निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस। देखो कर लेते हैं, डिस्टेंस है 132, और अगर 33 के लिए निकालते हैं, 132 डिस्टेंस है किलोमीटर, 33 के लिए अगर हम निकालें, 33 1 पे और 4 पे करेंगे तो यही आ जाएगा 4, तो ये 4 किलोमीटर होगा, और अगर 44 के लिए निकालते हैं 132 डिवाइड बाय 44, और अगर 3 पे करेंगे तो यही आएगा, तो यहां से तो हमारे पास 4 आवर्स आए और यहां से हमारे पास 3 आवर्स आए, 4 आवर और 3 आवर में 1 आवर का डिफरेंस है, यही हमारे पास कंडीशन थी।
तो उसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है, उसमें अब कोई कहीं कहीं मिस्टेक की गुंजाइश नहीं बची। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक सिंपल लेकिन एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।